दोस्तों भारतीय रेलवे में जब भी आपने सफर किया होगा तो आपने रेलवे स्टेशनों पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखा जरूर देखा होगा। ये ऊंचाई रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर स्टेशन के नाम के नीचे लिखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बोर्ड पर स्टेशन के नाम के नीचे समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी जाती है और रेलवे स्टेशन की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? चलिए जानते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई को मीन सी लेवल कहा जाता है। दरअसल किसी भी जगह की ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल से ऊंचाई का मानक सबसे प्रभावशाली माना जाता है। दुनिया भर में समुद्र एक समान लेवल पर होता है, इसलिए ऊंचाई को सटीक तरीके से मापने के लिए समुद्र तल को आधार माना जाता है। दोस्तों जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर समुद्र तल से ऊंचाई की जानकारी ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड के लिए होती है। इससे उन्हें ट्रेन की स्पीड कम और ज्यादा करने से जुड़ा फैसला लेने में मदद मिलती है। लोको पायलट को यह जानकारी इसलिए भी दी जाती है ताकि वे ऊंचाई के हिसाब से इंजन को पावर और टॉर्क जनरेट करने का कमांड दे सकें। दरअसल इंजन की स्पीड को एक समान बनाए रखने के लिए उसमें ऊंचाई के मुताबिक सही टॉर्क और पावर का होना जरूरी है। इस जानकारी से लोको पायलट आसानी से निर्णय ले पाते हैं कि अगर ज्यादा ऊंचाई है तो उस पर चढ़ाई करने के लिए इंजन को कितनी पावर देनी पड़ेगी, वहीं नीचे की ओर आने पर कितना फ्रिक्शन लगाना होगा और कितनी स्पीड रखने की जरूरत है। ये सब समुद्र तल की ऊंचाई से ही पता चल पाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जानकारी पैसेंजर्स के लिए नहीं लिखी जाती। हम इसे पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन ये ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के लिए ही लिखी जाती है। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।